हेलो हेलो, हेलो। राम 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 सर जी, गोपाल राम जी बोल रहे हो क्या बोल रहा हूँ सर। सर? वो रेट वाला कुछ करवाओ आप गहलोत जी को बोल के। क्या गहलोत जी को बोल दिया साहब, हमने बात भी हो गई। वो बोल कह रहे हैं रहे तो गहलोत जी? हैं निकाल दी जगह। मैं मिल के आया था भाई, तो क्या कर रहे हैं क्या 50,000? वो कह तो दिया हमने, अब करना नहीं करना तो सीएम के हाथ में। अब सर आप ही देखो, जो नई भर्ती निकाली है उससे कोई बेनिफिट होगा क्या? अपीयर लगा के तो फॉर्म भरवा लिया, अब ये तो रुपए वसूलने वाला सा सिस्टम हो गया है ना। आप ही देखो, बच्चे 3 3 साल से परेशान हो रहे हैं, तो सीट तो बढ़नी चाहिए थी ना। ये तो होनी तो चाहिए, लेकिन अब करें क्या। नहीं आप खुद सोचो सर, गरीब बच्चे वो तो कितने वैसे दुखी हो रहे हैं बेचारे, कितने मतलब 5 7 बच्चों ने जान भी दी है, तो ऐसे दुखी होंगे वो बच्चे और क्या करेंगे फिर तो वो कांग्रेस को हराएंगे ना। कांग्रेस नहीं जीत पाएगी इस बार, देख लेना सर, 100% है ये। बात तो सही है, आप सही कह रहे इसमें हो, कहीं घाटा कर आपके भी है सर, इसमें घाटा आपके भी है। अब वे आपकी नहीं सुन रहे तो फिर आपको क्यों विधायक बना रहे? बहुत थोड़ी विधायक। उनको आपकी बात सुननी चाहिए थी ना उनको। हम बात सुन रहे हैं, कह दिए 20,000 की छुट्टी वे वाली। ऐसे बोल रहे हैं कि हमने 20,000 नहीं निकाल दिए, ऐसे बोल रहे हैं ना वे, तो हाँ इसमें कोई फायदा नहीं है। 20,000 नहीं निकाल दी, इसमें कोई फायदा नहीं है। वो 3 3 महीने से हम वहां पे दुखी हो रहे हैं, इसमें क्या आपकी फायदा? बात उसके 50 कर देते ना, वहीं पे 50 कर देते, फॉर्म भरवाने की भी टेंशन खत्म हो जाती, सारी टेंशन खत्म हो जाती। 122 नंबर है मेरे, फिर भी है ना चांस नहीं दिख रहा। बत्ती लाल भजन लाल कितने कितने वो बत्तियां चस रही हैं। सही बात। आप खुद सोचो सर, आप ये मान के चलो कि हम आपके खुद के बच्चे हैं, ऐसे मान के चलो आप। अरे मेरा भतीजा भी है इसमें रीट में, आप किस तरह ही उसके भी इतने ही नंबर हैं? और क्या, आपके जैसे ही वो है, वो भी प्राण खाता है मेरा रोज, तो जाके बैठा है फिर तो सर तो आप है मैं। ना, आप उनको बोलो, उनके ना वो क्या बोले, हम उनके लिए कुछ बुरा कहेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। हम तो ये तो बोल उनको कि क्या, साहब इसमें नुकसान हो जाएगा, और इसमें करो साहब, अब कह ही सकते हैं। देखो अपनी तो देखो, ये अब लड़ाई तो लड़ नहीं सकते सीएम वो तो से उनको तो। खुद को सोचनी चाहिए ना कि अपन बच्चों के साथ कितना बुरा कर रहे हैं। ऐसे चलेगी ना तो कोई नहीं जिताएगा अशोक गहलोत जी को। ये गहलोत जी है ना, इनका रिजल्ट इनको दाढ़े मार मार कर रोने को मजबूर कर देगा, देख लेना सर। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, देखो काम तो खूब हो रहे हैं, वो तो बढ़ती भी निकाल दी। भर्ती निकाल दी तो आप क्या हुआ सर इनको? मतलब रोजगार आप कर रहे हैं, खोल दी स्कूलें इतनी खोल दी, काम तो देखो भूल कर रहा है। कांग्रेस का इतना काम बीजेपी कर भी नहीं पाएगी, ये देखो बना सर, आपका भतीजा है, आप बोल रहे हो हाँ। रीट का स्टूडेंट है वो, लेकिन अब वो क्या करे, उसको भी मैंने समझा दिया कि भाई दूसरी एग्जाम में फार्म भर दे। अब गवर्नमेंट का भी रूल्स है साहब, अब इसमें तो एक्चुअल सर में गहलोत पिछली साहब बार भी तो सर 28 से 54 हुई थी, पिछली कब है, नहीं बार बीजेपी के टाइम भी तो हुई थी। वो कर दी थी तो अपने, इन्होंने भी निकाल दी ना 20,000 बीस अलग से। हजार निकालने सर, आप आपके भतीजे से पूछो कितनी दिन रात मेहनत करने से नंबर आते हैं। यूं ना नई नई भर्तियां निकालने से कुछ नहीं होगा, देख लेना। ये भी नई भर्ती भी ऐसे लटका के छोड़ के जाएंगे, ये हम जानते हैं इनको, बहुत लड़का चलो की। बात करता हूँ, एक बार दोबारा साहब से मिलेंगे फिर बात करता आप ना उनसे फेस टू फेस मिलो, उनको बताओ कि गरीब बच्चों की औलादों में क्या बीत रही है, धरती से जुड़ के देखो। यूं हवा में रहने से कुछ नहीं होता उनके। हूँ। चलो बात करेंगे, करो तो सर करो फिर, आप कब करोगे? 10 तारीख तो आ गई सर, आप आपके भतीजे से पूछो, 10 तारीख बाद कुछ हो सकता है क्या? सीएम साहब का मन तो देखो बच्चों के प्रति कभी भी गलत नहीं है। गलत गलत सर, अब क्या सुन, मैं क्या बोलूं, आप खुद देख लो सर। गलत नहीं है उनका, और वो उनका विजन है कि ये 2023 में चुनाव जीते और सबको रोजगार दे, अब सर ये बात। मैं कुछ गलत बोलूंगी तो आपको गलत लगेगा, इस हाल में तो सर बिल्कुल भी नहीं जीतेंगे वे, बिल्कुल भी नहीं जीतेंगे। चाहे वो है ना 20 नहीं निकालो, चाहे 25 नहीं निकालो, 100% नहीं जीतेंगे सर, देख लेना आप। ये निकाल दे तो 50 कर दे तो फिर 50 कर दे तो बेनिफिट होता सर उनके। जीतेंगे तो नहीं ना, ये कह रहे हो आप तो।
फिर तो इसीलिए बच्चे नहीं बच्चे उनकी सुनेंगे सर, बच्चे उनकी, क्योंकि इस बार है ना सर, आपको पता है। 122 नंबर वाला भी ये सोच रहा है कि मेरा नंबर नहीं आएगा, मेरा नंबर नहीं आएगा। मेरे खुद की 122 है, मैं भी यही सोच रही हूँ सर। राजस्थान सरकार के अंदर सबसे मतलब पहली बार हुआ है कि सारा बैकलॉग कोटा भरा गया। अच्छा आज तक 1300 पद एग्जाम लग गए, पिछली एग्जाम में से ही उन बच्चों को लिया गया है। ऐसी बात नहीं है, जो काम कर दिया जो गहलोत साहब ने काम किया, शायद मेरे हिसाब से किसी ने किया नहीं होगा। अच्छा ऐसी तो बात नहीं है, बच्चों के प्रति उनकी भावना कभी भी गलत नहीं है। तो और सर अपन बात करें किसान हम फिर फालतू में ही परेशान हो से, रहे हैं सर। हम इसलिए नहीं बढ़वा रहे, हम इसलिए बढ़वा रहे हैं क्योंकि 80-80% ला के भी ना हमारे कम, हमको चांस नहीं लग रहा हमारा। बात समझ रहा हूँ मैं, आपकी पीड़ा भी समझ रहा हूँ और उसके लिए बात करेंगे साहब से, हो सकेगी। वो कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचते गलत हाँ तो साहब। सर वे इतने दानवीर, इतने दयाशील इंसान है ना, तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे, प्लीज आप एक बार उनसे फेस टू फेस बात करो सर। 10 तारीख बाद कुछ भी नहीं हो सकता, ये तो आपको भी पता है। आपसे बात करा दूंगा, चाहे आप 10-5 घंटे आपसे बात करा दूंगा, वो बता देंगे आप। हाँ तो और हमसे करा दो, किसी और से करवा दो, आप खुद करोगे तो और भी बेस्ट रहेगा, क्योंकि हमसे ज्यादा आपकी मानेंगे वे। पांच लड़के चल चलो और क्या, बात करो। सारे रेट के बच्चों से, महेंद्र भैया है ना, महेंद्र भैया से डायरेक्ट बात करवा दो आप उनकी। करा देंगे, किसी से भी 5 व्यक्ति चल जाएंगे, 5 कर देंगे, संतुष्ट हो जाएंगे आप। फिर ठीक है बात सर, आप महेंद्र भैया, मैं महेंद्र भैया को बोल दूंगी, आप उनसे बात कर लो और आप है ना उनकी डायरेक्ट बात करवा दो। फिर आप पक्का करवाओगे ना? बिल्कुल करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, मैं आपका नाम लेके महेंद्र भैया को बोल रही हूँ, आप महेंद्र भैया की डायरेक्ट बात करवाना। ये मैं करवा दूंगा बात, है ना, सीएम के वहां जो भी, कोई दिक्कत नहीं है। कब करवाओगे? एक दो दिन में कभी जब टाइम लेके मैं बात कर लूंगा। अच्छा तो सर 10 से पहले टाइम लेना पड़ेगा ना, 10 के बाद तो टाइम का हमारे भी कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, 10 से पहले बात कर लीजिए। ठीक है तो सर मैं महेंद्र भैया को बोल रही हूँ, आप बात करवाना उनकी, है ना? ठीक है सर। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक और सब्सक्राइब करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।